आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो इस बार खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी में वैसे कैंडिडेट जो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं उनके फॉर्म लिस्ट बनाने के बारे में, क्योंकि अगर आप एमए को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे, हम सबसे पहले एमए को ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, हालांकि मैं इससे पहले एक आइडिया दूँ ताकि जो भी अपकमिंग में जो भी कैंडिडेट उनको पता चल सके कि जो डेट दिया गया है, हालांकि जो इस बीटेक का था, ये रिमाइंड करते हैं, जो बीटेक का जो डेट दिया गया था उसी डेट में ही सिर्फ फॉर्म लिस्ट आया है। उसके अलावा अभी तक वैसा नहीं हुआ है कि उस डेट में सारे, हालांकि जो 11th का जो था उसका फॉर्म लिस्ट उसी डेट में आ गया था जो डेट दिया गया था। तो अभी जो मैं क्या करता हूँ, एमए का ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करता हूँ, उसके बाद जो भी अपडेट है उसके बारे में, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि एक्चुअल होने वाला क्या होगा। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद यहाँ पे जो आपको पता चलेगा डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट पे आपको दिखेगा, अगर आया हुआ रहेगा तो यहीं आपको दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे फिर से एक न्यू आइकन ओपन होगा यहाँ से, इस तरीके से जिसका भी फॉर्म लिस्ट आया हुआ रहेगा यहाँ पे दीजिए। एक तो ये फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जो बीएससी है इनका भी, इसका भी यहाँ भी जो एक बात रिमाइंड कर दे कि जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, या फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में जिनका हुआ है, या फिर फैकल्टी ऑफ साइंस में जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, इन सभी का ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट एक ही रखा गया। तो हम किसी एक का शेड्यूल उठा लेते हैं और उसमें बताते हैं कि एक्चुअल में क्या। देखिए, अगर आप देखेंगे तो कहीं भी फॉर्म लिस्ट वन शो नहीं कर रहा है, और अगर आप लिस्ट चेक करेंगे, यानी मैं लिस्ट जो आया हुआ है, जो फॉर्म लिस्ट वन का जो बताया गया था कि कब तक आएगा उसके बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे साफ मेंशन है। हम इसको सिंपली पहले ओपन करते हैं, इसमें एक्चुअल में क्या है वो समझाते हैं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या गया कि जो फॉर्म लिस्ट वन आएंगे वो 1 दिसंबर, आज 1 दिसंबर ही था लेकिन अभी तक नहीं आया। उसके पीछे का रीजन ये है कि मे बी इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा स्लो है या फिर बिजी है, पहली चीज़। और दूसरा ये कि जो फॉर्म लिस्ट वन है, एज एक्सपेक्ट करें, ये मान के चले कि कल जो है आपके आ जाएंगे, और पेमेंट करने का भी टाइम मिल ही जा रहा है ऐसा है, बट ये कि आप रिस्क ना लेकर, जैसे अगर देखा जाए तो अगर मोस्ट प्रोबेबली मान के चले कि कल आपका फॉर्म लिस्ट वन आ जाएगा, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो कल 2 दिसंबर है, कल से आप पेमेंट भी करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि पेमेंट करने का आइकन आपका आईडी पे आ जाएगा, जब आएगा तभी कर पाएंगे, लेकिन आएगा तो आपको 4 दिसंबर तक कर सकते हैं। लेकिन अभी जो 11th वाले जो कैंडिडेट का आया उसमें कुछ कोर्सेज का लेट भी हो गया था, तो उसका एक दिन एक्स्ट्रा मौका मिला था पेमेंट करने का, हालांकि एमयू ने नोटिफाई नहीं किया था। तो आप ऐसे समझे कि आपका मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, और आप जो है मैं कहूँगा कि आप इन बेकार आप टाइम 5 तारीख तक क्यों करें, आप 4 तारीख तक ही कर लीजिए अगर आपका नाम आ जाता तो। बाकी अगर आप अपडेटेड आना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को क्वेरी होगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बट रिमाइंड कर दें कि कल तक आपके श्योरली आपके फॉर्म लिस्ट वन आ जाएंगे जो भी बीएससी के कोर्सेज हैं। थैंक यू।